अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 8, कंप्यूटर वायरसेस एंड देयर इफेक्ट्स, लेक्चर नंबर 14। एंड टुडे वी विल रीड योर बुक पेज नंबर 108, 109 एंड 110। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 108। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ योर बुक टाइटल एंड दिस इज़ पेज नंबर 108। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वायरस, हमने कंप्यूटर वायरस के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अभी नेक्स्ट उसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस दैट वाज नॉन पब्लिकली इज एल्क क्लोनर। एल्क क्लोनर कंप्यूटर में आया पहला वायरस था। इट वाज क्रिएटेड बाय रिच स्क्रिंटा इन 1982 में रिच स्क्रिंटा ने इसको बनाया। दिस वायरस अटैच्ड इट सेल्फ टू दी एप्पल डॉस डीओएस डॉस 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्प्रेड थ्रू फ्लॉपी डिस्क। ये अटैच किया गया वायरस जो है एप्पल डॉस 3.3 के साथ और फ्लॉपी डिस्क में गया। द फ्लॉपी डिस्क जो थी उसके जरिए ये फैला। द फर्स्ट पीसी वायरस वाज अ बूट सेक्टर वायरस कॉल्ड ब्रेन। पीसी में जो फर्स्ट वायरस आया वो बूस्ट सेक्टर वायरस था जिसका नाम था ब्रेन। इट वाज क्रिएटेड इन 1986 बाय टू ब्रदर्स टू प्रिवेंट पायरेटेड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर दे हैड रिटन। ये दो भाई थे, उन्होंने बनाया था अपने सॉफ्टवेयर के पायरेटेड कॉपीज को रोकने के लिए। सिंस द मिड 1990s मैक्रो वायरस हैव बिकम कॉमन। मैक्रो वायरस कॉमन हो गया 1990s में। दीज वायरस स्प्रेड थ्रू एक्सेल स्प्रेडशीट्स एंड अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। ये एक्सेल की जो स्प्रेडशीट्स होती हैं और माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उनके जरिए फैलता है। एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ठीक है। Nowadays one of most common means of virus infected in the internet. अब आजकल जो infected है वायरस कंप्यूटर से वो इंटरनेट से हो रहे हैं। emails are also one of the most prominent means to spread virus. emails के जरिए भी वायरस spread होता है, ये हमने previous पढ़ा था। हाँ जी, हमने प्रीवियस पढ़ा था किस किस तरीके से वायरस फैलता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस पढ़ेंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड दे कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फाइल्स दे इन्फेक्ट। सम ऑफ द मेन कैटेगरीज ऑफ वायरस आर एज फॉलो। बहुत से वायरसेस हैं और इनकी कैटेगराइज कैसे किया जा सकता है इनको, उन एक के देख करके ये कौन सा वायरस किस किस्म की फाइल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उनमें से चंद एक ये हैं, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस reside in the boot sector of hard disk or floppy disk. Hard disk या floppy disk में जो boot का option होता है ना, mobile में भी होता है boot करने का, उसको ये effect करता है। The boot sector is the area of hard disk or floppy disk that stores valuable information. Boot sector वो sector होता है जो valuable information को store करता है। They cause damages to the stored information. Some of the boot sector virus are polyboot B and NTEXE, ठीक है। ये क्या है, ये डैमेज करते हैं बूट के अंदर मौजूद इन्फॉर्मेशन को जो हमने स्टोर की सेव की होती है। और बूट सेक्टर वायरसेस जो हैं जैसे कि पॉलीबूट बी है एंड NTEXE है। ईमेल वायरसेस, दीज वायरसेस स्प्रेड थ्रू ईमेल एंड द अटैच्ड फाइल। ये ईमेल के जरिए हमने किसी को मेल भेजी, वो वायरस वाली फाइल थी तो वो दूसरे के कंप्यूटर में भी चली गई। वंस एन इन्फेक्टेड अटैचमेंट इज ओपन द वायरस इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर सिस्टम। सम ऑफ दीज वायरसेस रिप्लीकेट देमसेल्व्स बाय ऑटोमेटिकली ईमेलिंग एवरीवन इन योर ईमेल एड्रेस बुक। क्या है, तो जब हम इस तरह की फिर कोई फाइल ओपन करते हैं जो वायरस वाली हो, तो हमारे कंप्यूटर में वायरस चला जाता है और ये खुद को बढ़ाता है, ये रेप्लीकेट करता रहता है ऑटोमेटिकली ईमेल वाले ऑप्शन में तमाम ईमेल्स एड्रेस बुक को भी, ठीक है। फाइल वायरसेस क्या होते हैं, नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे। अ फाइल वायरस इन्फेक्ट्स प्रोग्राम और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ठीक है। ये फाइल्स के नेम दिए गए हैं यहाँ पर। व्हेन एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज रन द वायरस बिकम्स एक्टिव एंड इन्फेक्ट्स अदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। ये क्या है, ये फाइल्स में स्प्रेड होता है, फाइल्स में फैलता है, उनके एग्जीक्यूशन के दौरान फैलता है। जब हम कोई ऐसी फाइल ओपन करते हैं जो कि जिसमें वायरस हो, उसको चलाते हैं, वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है और इन्फेक्ट करता है उन तमाम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को जो कंप्यूटर में मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल दी गई है, कैस्केड भी कहते हैं इसको एंड संडे आर फाइल वायरसेस। ये फाइल वायरसेस इसके दो नाम हैं। नेक्स्ट है वॉर्म्स। अ वॉर्म इज़ अ मालवेयर प्रोग्राम दैट डुप्लीकेट्स इटसेल्फ। ये एक मालवेयर प्रोग्राम है जो अपने ही डुप्लीकेट फाइल्स बनानी शुरू कर देता है।
दिस वायरस डज नॉट नीड एनी होस्ट फाइल टू अटैच, इसको फैलने के लिए किसी और फाइल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ये खुद ही अपने जो है ये फैलता जाता है। वॉर्म कैन स्प्रेड वेरी फास्ट एंड इन ग्रेट नंबर, ये बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा तादाद में फैलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेसर एंड ब्लास्टर। टॉर्जन हॉर्स, अ टॉर्जन हॉर्स इज़ अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स टू बी बेनिफिशियल एट फर्स्ट ग्लैंस, ये प्रोग्राम है जो पहली दफ़ा देखने में लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, बट एक्चुअली डैमेज इज द कंप्यूटर वंस इट इज़ रन, लेकिन जब कंप्यूटर रनिंग कर रहा हो तो सडन ये कंप्यूटर को डैमेज कर देता है। दे कैन स्टील द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से तमाम इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकता है, ठीक है। बीस्ट एंड जियस आर एग्जाम्पल ऑफ टॉर्जन हॉर्सेस, बीस एंड जियस जो हैं ये टॉर्जन हॉर्स वायरस की एग्जाम्पल हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डैमेज कॉज बाय टॉर्जन, टॉर्जन से जो डैमेजेस होती हैं उसकी एग्जाम्पल्स कुछ ये हैं, करप्टिंग एंड इनक्रप्टिंग फाइल, फाइल्स को करप्ट कर देता है, इनक्रप्ट कर देता है, कॉपिंग फेक लिंक्स विच लीड टू फॉल्स वेबसाइट्स, ये ऑटोमेटिकली ऐसे लिंक्स को कॉपी करता है जो दूसरी खराब वेबसाइट्स की तरफ ले जाती हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सी डी रोम ट्रे, सी डी रोम जो ट्रे है उसको ओपन और क्लोज करने के ऑप्शन देने लगता है। डी स्टार्टिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर स्टार्ट कर देता है, रैंडमली शट डाउन द कंप्यूटर, काम करते करते अचानक कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है इसके वजह से। शोइंग डाउन योर कंप्यूटर, स्लोइंग डाउन, कंप्यूटर स्लो कर देता है। टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स लेने लगता है। लॉगिंग की स्ट्रोक्स टू स्टील इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड नंबर, ठीक है, ये लॉगिंग कर देता है, खुद बहुत लॉगिंग हो जाता है और पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के नंबर्स अगर उसमें सेव हो तो ये चोरी कर सकता है, ठीक है। मैक्रोवायरस, अ मैक्रोवायरस इन्फेक्ट्स द मैक्रोस विद इन अ कंप्यूटर और टेम्पलेट, ये कंप्यूटर में जो टेम्पलेट्स होते हैं ना डिफरेंट उसके सिस्टम जिनको हम यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, उसको इन्फेक्ट करता है। व्हेन यू ओपन एन इन्फेक्टेड वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट, जब हम वर्ड खोलते हैं या एक्सेल या स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट खोलते हैं जो जिसमें हम कंपोजिंग करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, द मैक्रोवायरस इज एक्टिवेटेड एंड इन्फेक्ट द टेम्पलेट, ये एक्टिवेट हो जाता है और उसमें जो टेम्पलेट्स दी होती है ना, टूल्स दी होते हैं, उनको इन्फेक्ट करता है। सिंस द वायरस अटैच इटसेल्फ टू डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट से अटैच हो जाता है, इट कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स आल्सो बाय ट्रांसफरिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, वही बात कि फिर वो डॉक्यूमेंट में जब ये अटैच रहता है, हम वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं और जब सेंड करते हैं किसी को या शेयर करते हैं या यूएसबी में डाउनलोड कर यूएसबी में कॉपी करते हैं तो ये वहां जाकर फैलता है। यूएसबी आगे हम किसी कंप्यूटर में लगाएंगे तो उसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेलिसा एंड कॉन्सेप्ट वायरस, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, द फर्स्ट पीसी वायरस वाज क्रिएटेड इन डैश, फर्स्ट पीसी वायरस कब क्रिएट हुआ, इन 1986 में, ओके। डैश स्प्रेड थ्रू ईमेल एंड अटैच फाइल, ईमेल और अटैच फाइल के जरिए क्या फैलता है, ईमेल वायरस, फाइल वायरस, नन ऑफ दिस, ईमेल वायरस, ओके। अ डैश इज़ अ मालवेयर प्रोग्राम, मालवेयर प्रोग्राम कौन सा था, दैट डुप्लीकेट्स इटसेल्फ, जो अपनी ही डुप्लीकेट कॉपीज बनाने लगता है, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म, स्पाईवेयर, वॉर्म, ठीक है। आगे है मेलिसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, मेलिसा किस वायरस की एग्जाम्पल है, फाइल वायरस, ईमेल वायरस, मैक्रो वायरस, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो वायरस। हाउ यू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, आप अपने कंप्यूटर को वायरस से किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस इज नॉट अ डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सो इट इज़ बेटर टू रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। फर्स्टली यू मस्ट इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर, स्कैन योर सिस्टम विद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली, डू नॉट डाउनलोड प्रोग्राम्स और फाइल्स फ्रॉम इनसिक्योर साइट्स, नेवर ओपन एन ईमेल फ्रॉम एन अननोन पर्सन, इट मे हार्म योर सिस्टम, ठीक है। एंटीवायरस प्रोग्राम करें और डेली अपने कंप्यूटर को स्कैन करते रहा करें, एक दफ़ा एंटीवायरस में जाके, जैसे हमारे मोबाइल्स में होती है ना स्कैनिंग डेली बेसिस पे। उसके अलावा कहते हैं कि अननोन पर्सन की तरफ से अगर कोई मेल आई है तो उसको ओपन ना करें, और डाउनलोड अगर प्रोग्राम करना है तो इनसिक्योर वेबसाइट से डाउनलोड ना करें, सिक्योर्ड से करें। यूज़ अपडेट एंटी स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी, जो अपडेट्स होते रहते हैं एंटीवायरस, वो आप एंटी स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करें। स्कैन द सीडीज एंड पेन ड्राइव्स बिफोर यूजिंग दैम ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, कीप योर फायरवॉल ऑन, ठीक है। इस कंप्यूटर में एक फायरवॉल ऑप्शन होता है, वो कहते हैं उसको ऑन रखें और कोई भी सीडी या यूएसबी लगाएं तो पहले उसकी स्कैनिंग करें और उसके बाद उसकी रनिंग करें।
नीचे आए, अ फायर वॉल हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम हैकर्स हु माइट ट्राई टू डिलीट इन्फॉर्मेशन, क्रैश योर कंप्यूटर और इवन स्टील योर पासवर्ड्स टू व्यू द फायर वॉल। फायर वॉल क्या होता है? हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है हैकर से, जो कि डिलीट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, हमारे कंप्यूटर को क्रैश डाउन कर सकते हैं, हमारे पासवर्ड्स चोरी कर सकते हैं। स्टार्ट बटन को आप क्लिक करेंगे, फिर उसमें आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, उसमें आप सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, फिर विंडोज़ फायरवॉल में और फिर विंडो फायरवॉल स्टेटस में जाकर आप इसको ऑन करेंगे। यही स्टेप आप करते जाएंगे ना तो आपका ये खुल जाएगा। लेट अस स्टडी अबाउट एंटीवायरस प्रोग्राम्स इन डिटेल्स। अब एंटीवायरस प्रोग्राम्स पढ़ते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू चेक द फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर फॉर वायरस एंड आल्सो रिमूव देम। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये हमारे मोबाइल कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे वायरस कहीं कहीं पर भी वायरस कंप्यूटर में जो है उसको डायग्नोज करता है, उसको रिमूव करने में हमारी मदद करता है। देयर आर मैनी एंटीवायरस प्रोग्राम्स अवेलेबल इन द मार्केट। यू मे इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वायरसेस। मार्केट में बहुत से एंटीवायरस प्रोग्राम मौजूद हैं, आप उनमें से कोई भी जो है इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से वायरस फ्री रखने के लिए कंप्यूटर को। सम ऑफ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर, यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए गए हैं, नॉर्टन, कैस्परस्काई, MCA, फ्री, AVG, बिट डिफेंडर एंड अवास्ट। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस पब्लिकली नोन इज एल्क क्लोनर। नेम द फर्स्ट PC वायरस। द फर्स्ट PC वायरस वाज अ बूट सेक्टर वायरस कॉल्ड ब्रेन। राइट सम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस इज बूट सेक्टर वायरस, ईमेल वायरस, फाइल वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स। नेम सम एंटीवायरस प्रोग्राम, ये नॉर्टन, MCAFE, बिट डिफेंस, अवास्ट, AVG एंड कैस्परस्काई। ओके, आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का अपनी नोटबुक पर, यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इनका अपनी नोटबुक पर होमवर्क करें। ओके, डायरी, डू होमवर्क ऑफ गिवन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लर्न द रीडिंग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का आपने नोटबुक पर होमवर्क करना है और इस रीडिंग को आपने लर्न भी करना है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।